हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या सामान चाहिए होता है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे किया जाता है सारा कुछ। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ, आज मेरे दादाजी की तिथि थी, यानी कि अष्टमी के दिन तिथि होती है। तो हम लोग गए हुए थे मायके, उनके वहाँ पर निमंत्रण होता है, खाना खिलाया जाता है अपने मानदान को। तो बस यहाँ पे उनको खाना निकाल दिया है, उनकी थाली लगा दी गई है, पूजा वगैरह करके भोग लगा दिया गया है। जो कुछ भी बनाया जाता है तो भोग लगाया जाता है उनको। और इसके बाद फिर महालक्ष्मी की पूजा की जाएगी। तो हाथी यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, अष्टदल कमल बना के हाथी बैठा दिया गया है। यहाँ पे श्रृंगार का सामान रख दिया गया है जो महालक्ष्मी जी को चाहिए होती है, क्योंकि दिवाली से भी बड़ी पूजा मानी जाती है महालक्ष्मी की। तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान रख दिया गया है, लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, हाथी के ऊपर विराजमान होती हैं जैसे कि लक्ष्मी जी, और फूल वगैरह सारा कुछ रख लिया गया है। और यहाँ पे 16 गांठों की धागे बनाए जाते हैं जो कि 16 दिन से बनाए जाते हैं। 16वें दिन 15 दिन पहले से बनाए जाते हैं, और 16वें दिन यानी अष्टमी के दिन पूजा करी जाती है। 16 गांठ लगा के उसको 108 बार जो है नहाया जाता है लोटे से, 40 बार सूर्य को अर्घ दिया जाता है, बाकी का अपने सिर पे से नहाया जाता है। तो यहाँ पे बस वो सारा कुछ कर लिया गया है। 108 दूबा ली जाती है, 16 चावल के दाने लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ करके रख दिया गया है पूजा का सामान, और क्वारा बनाए जाते हैं जो कि बना लिया गया है, क्योंकि कुछ भी सुहाग की पूजा होती है तो बिना क्वारा के नहीं की जाती है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दूबा वगैरह आप लोग देख ही सकते हैं, क्वारा रख दिए गए हैं। और 16 रखे जाते हैं जो कि सुरा बोलते हैं, तो सुरा रखे जाते हैं 16। और इसके बाद वो रखे जाते हैं, श्रृंगार बनाया जाता है लक्ष्मी जी का, जैसे कि वैसे तो पूजा की ही जाती है और श्रृंगार भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे इनको आलता वगैरह लगाया जाएगा लक्ष्मी जी को, और इसमें एक मंत्र भी बोला जाता है सबसे लास्ट में, जब चावल डालते हुए बोलते हैं, कई जगह सुरा डालते हुए बोलते हैं, कई जगह चावल डालते हुए बोलते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। उसको बोलते हैं पोला पर पाटनगांव, जहाँ के राजा मंगलचंद दमयंती रानी ब्राह्मण देवता कहें कहानी, तुमसे कहते हमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। तो इसको जो है 16 बार कहा जाता है। यहाँ पे मम्मी ने आलता वगैरह लगा दिया है, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, भाभी ने शूट किया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए भाभी ने शूट कर दिया था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो यहाँ पे मम्मी चंदन चावल से सारा कुछ पूजा कर दी जाएंगी, और जो दूबा से नहाया जाता है गड़ा लेकर, तो गड़ा लक्ष्मी जी को चढ़ा दिया जाएगा और दूबा हाथी को डाल दी जाएगी। इसके बाद जो है जो गड़ा होता है उसको बाद में पूजा हो जाने के बाद पहन लिया जाता है। तो इस तरीके से पूजा की जाती है, बहुत ही अच्छी पूजा होती है लक्ष्मी जी की, क्योंकि उनको ही हमें प्रसन्न करना होता है। और मैंने आप लोगों के साथ पूजा शेयर कर दी है, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। और यहाँ पे पूजा करते चले जाएंगे, हवन कर दिया जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को जो है हवन किया जाएगा। और आज का जो है जो अष्टदल कमल है, आज की पूजा उठाई नहीं जाती है, नेक्स्ट डे जो है उनको उठाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं, कहते हैं इनको रात बसाना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको दूसरे दिन उठाया जाएगा हाथी को, कहीं फेंका नहीं जाता है, कहीं सिराया नहीं जाता है। अपनी छत पे रख लें, छत नहीं है तो फिर किसी उसमें रख लें, गमले वगैरह में। आजकल तो पीतल के भी हाथी मिल जाते हैं, लेकिन हम लोगों के अभी भी मिट्टी का हाथी ही सगुन का माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी का हाथी ही सगुन का होता है। और ये अपनी लक्ष्मी को स्थायी रूप से रखने के लिए पूजा की जाती है, जैसे कि दिवाली से भी बड़ी पूजा मानी जाती है, पुत्रों की लंबी आयु के लिए पूजा मानी जाती है, धन ऐश्वर्य के लिए पूजा की जाती है, क्योंकि कुंती ने व्रत किया हुआ था, कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको बताया था कि किस तरीके से व्रत किया जाता है। और बस यहाँ पे पूजा वगैरह कर दी जाएगी, हवन वगैरह कर दिया जाएगा, इसके बाद फिर आरती करी जाएगी, पोथी की जाएगी। तो कथा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, वरना फिर नहीं करूंगी। और थोड़ा सा वीडियो हिला होगा तो उसको भी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि पूर्वी ने भी थोड़ा थोड़ा शूट किया है और भाभी ने किया हुआ है। तो बस यहाँ पे मम्मी हवन को जागृत करने की कोशिश कर रही हैं, उसको हवन को जागृत कर देंगी, क्योंकि बिना हवन को जागृत किए नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ भी बाती वगैरह रख के जागृत कर दिया जाएगा, या फिर कपूर से जागृत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो कि घर की बहुएं होती हैं, औरतें होती हैं, वो पूरा तैयार वगैरह होके आलता वगैरह लगा के पूजा करने के लिए बैठती हैं। तो बस ऐसे ही पूजा की जाती है। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे पूर्वी वीडियो बनाने लगी थी तो आप लोग जो इग्नोर कर दीजिएगा,
और यहाँ पे बस मम्मी और भाभी पूजा कर रही हैं। मैं ना लेटी हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने मतलब थोड़ी देर के लिए मैं बैठी हुई थी और ज़्यादा देर मैं नहीं बैठी थी पूजा में क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अभी भी आप लोगों को आवाज़ से समझ में ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है, मेरा आलता देख लीजिए जो कि मैंने आलता लगाया हुआ था, तो मैंने घर आके आप लोगों के साथ शेयर किया है, वहाँ पे नहीं शेयर किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।